स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आप लिख दें, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ B इज इक्वल टू D, ठीक है ना। तो द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू D अपॉन 2 जाएगा, डायमीटर का हाफ। आप यहाँ पर लिख दें सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई को पाई रहने दो, और यहाँ पर डी क्यू अपान 2 × 4 × 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 × 4 × 4 × 8 तो यहाँ पर जाएगा पाई डी क्यू अपान 2 × 3 × 6, ठीक है ना। जो भी होगा यहाँ पर यूनिट क्यूब, राइट। अब यहाँ पर कहता है कि सो दी डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पर डी अपॉन 4 हो जाएगा। अब जब इसका रेडियस निकालेंगे आप, रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू डी अपॉन 4 तो रहेगा 2 × डी अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ द मून 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू, पाई को रहने दो, आर क्यू डी क्यू, और यहाँ पर ये जाएगा 512, तो 8 का क्यू हो जाएगा 512 यूनिट क्यू, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, तो वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून 4/3, तो यहां पर इसको कैंसिल कर सकते हो ना, यहां पर क्या करोगे 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 × 4 यहां पर 1/4, 2 × 8 4 × 8 = 32 भाई, 4 × 4 आपके पास 1, यहाँ पर आया 3, नहीं सॉरी गलत है, 512, 4 से डिवाइड करो 512 को, 4 × 4 1, कह यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 जा ले गए थे, 4 × 2 = 8 यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर 2, 4 × 8 = 128 कितना होगा 128। तो ये जो नंबर हमारा होगा यहाँ पर ये हो जाएगा पाई डी क्यू अपान 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6, 2 × 8 3 × 1 = 3 ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द ये हो जाएगा पाई डी क्यू अपान 384, और यहाँ पर इंटू कर दो क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ आएगा यही फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर ही जाएगा 6/πdq, पाई डी क्यू से पाई डी क्यू कैंसिल जाएगा। अब आपके पास कितना बचेगा 6/384, तो यहाँ पर 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 9 = 18, और यहाँ पर 2 × 2 = 4, 3 whole 192, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और यहाँ पर बचा 1, 3 × 4 = 12, देन 1/64 या 1:64 हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये 1:64 आएगा, और इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से किसी क्वेश्चन दो वॉल्यूम के आप रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, तरीका यही होगा, दोनों के वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों के वॉल्यूम को फ्रैक्शन फॉर्म में रख दीजिए और उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।
अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। आप एक अपनी मॉरल ड्यूटी बना लीजिए कि हमने इस चैनल को शेयर करना ही करना है, तभी आप आगे के और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स टू वॉच।